Good morning, students. Welcome to this new lecture of Transportation Engineering 2. As you all know that we are dealing with the unit number 5 of TRE2, which is based on airport engineering. In previous lecture, we saw the airport markings. Okay, what are the different types of airport markings? Okay, what are the indications they make and what is the meaning of different types of markings? As you all know that we are studying the visual aids. Okay, in previous lecture I told you about what is visual aids. In visual aids means the visual helps to the pilot. Okay, what are the visually available things which helps the pilot during the takeoff and landing and all the maneuvering operation of aircraft in the airport? So as you know that in a daytime, pilot can easily see the markings. Okay, pilot can visually see the markings. Okay, in daytime, but in night time, those markings are not clearly or not visible to the pilot. So in night time, there is a system that is airport lighting system which works in night time. Marking system is useful in daytime, but when it comes to night, the lighting arrangement is very, very important because of the visual help to the pilot. So these lightings are very helpful in night time. So airport lighting is very, very important. So let's see what are the different types of lights, okay, in airport. जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने देखे थे कि एयरपोर्ट मार्किंग क्या होती है, एयरपोर्ट मार्किंग क्या इंडिकेट करती है ना, कौन कौन सी मार्किंग क्या क्या इंडिकेट करती है. एंड दैट एयरपोर्ट मार्किंग इज वेरी वेरी हेल्पफुल इन डे टाइम, और दिन के वक्त में या डे टाइम में हेल्प करती है पायलट को क्योंकि वो आसानी से विजिबल है मार्किंग. बट जब नाइट टाइम में या जब रात होती है तो वो मार्किंग तो विजिबल नहीं है पायलट को, तो उस वक्त हम एयरपोर्ट लाइटिंग की मदद से पायलट को इंडिकेट करते हैं कि कहाँ पे रनवे है, रनवे का एज क्या है, रनवे का सेंटर लाइन क्या है. जो भी चीजें मार्किंग में आई थी, आप समझ लीजिए, एक सिंपल मैं आपको बताता हूँ, जो भी चीजें मार्किंग में थी उसी को दिखाना है लेकिन लाइट के जरिए. द थिंग्स विच वी सॉ इन एयरपोर्ट मार्किंग वी विल इंडिकेट द सेम थिंग्स बट विद द हेल्प ऑफ लाइट्स. For example, if there is a center line on runway which was marked by the dashed line, okay, the dashed line in marking, but in night time the lights are provided on the center line, it means the location will be the same but the way of expressing is different. In daytime we will show in case of marking, but in night time with the help of lights. So चलिए अब हम आगे देखते हैं कि एयरपोर्ट लाइटिंग क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों जरूरी है. देखिए, फर्स्ट इज टू अचीव यूनिफॉर्मिटी एंड टू गाइड पायलट्स फॉर अनफेमिलियर एयरपोर्ट्स. कलर्स एंड जनरल अरेंजमेंट ऑफ एयरपोर्ट लाइट्स आर स्टैंडर्डाइज्ड. जनरल एक पायलट को गाइड करना स्पेशली नाइट टाइम में, इसके लिए लाइटिंग जरूरी है. ठीक है, कैप्ट क्लीन, वेल मेंटेन, चेक्ड रेगुलरली. जो भी लाइटिंग्स है उन्हें अच्छे से मेंटेन करके उन्हें प्रॉपरली हर थोड़े थोड़े वक्त में उसे चेक किया जाता है. प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी पावर सप्लाईज, इमरजेंसी पावर सप्लाईज भी की जाती है. कभी भी इसमें फेलियर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, फेलियर होना ही नहीं चाहिए. ठीक है, तो ये एयरपोर्ट लाइटिंग की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, उसके बाद अब देखिए कि एलिमेंट्स ऑफ एयरपोर्ट लाइटिंग क्या है, मतलब कहाँ कहाँ पे लाइटिंग प्रोवाइड करना है, कौन कौन सी लाइटिंग प्रोवाइड करना है. एयरपोर्ट बीकन सबसे पहले, उसके बाद अप्रोच लाइटिंग, थ्रेशहोल्ड लाइटिंग, रनवे लाइटिंग, पीएपीआई से पापी लाइटिंग भी कहते हैं, टैक्सीवे लाइटिंग, एप्रॉन एंड हैंगर लाइटिंग, बाउंड्री लाइटिंग, लाइटिंग ऑफ विंड डायरेक्शन इंडिकेटर, यानी कि इतनी सारी किस्म की एलिमेंट्स है एयरपोर्ट लाइटिंग. एयरपोर्ट बीकन से हम स्टार्ट करेंगे कि एयरपोर्ट बीकन क्या है. ठीक है, उसके बाद हम ये सारी लाइटिंग्स को देखेंगे, बहुत सिंपल है. ठीक है, बहुत ही सिंपल है,
बहुत सिंपल चीज है ये। सबसे पहले हम एयरपोर्ट बीकन से स्टार्ट करेंगे कि एयरपोर्ट बीकन क्या है। ठीक है, एक जनरल एक इमेज आपको दिख रही है यहाँ पे। एज यू कैन सी देयर इज अ जनरल इमेज ऑफ द लाइटिंग सिस्टम ऑफ एन रनवे, बेसिकली रनवे। एज यू कैन सी दिस इज अप्रोच लाइटिंग, जैसे कि हम मार्किंग के वक्त पढ़ रहे थे, ये एक अप्रोच है। ठीक है, ये एक अप्रोच लाइट है। देखिए, जैसे कि प्लेन लैंड करने वाला है तो पायलट को इंडिकेट करती है ये लाइटिंग कि यहाँ पे अप्रोच स्टार्ट हो रहा है रनवे का। ठीक है, उसके बाद आप देखिए ये अप्रोच साइड साइड रो लाइट से यहाँ पे लैंड नहीं कर सकता। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन में, इसको बोलते हैं थ्रेश होल्ड लाइट्स। आपको याद होगा थ्रेश होल्ड का मीनिंग मैंने बताया था, थ्रेश होल्ड मतलब बाउंड्रीज ऑफ रनवे। ठीक है, ये थ्रेश होल्ड लाइट है, देखिए ग्रीन दिख रहा है, यानी कि आप यहाँ पे लैंड कर सकते हो। उसके बाद देखिए व्हाइट लाइट जो दिख रही है, ये होती है रनवे की सेंटर लाइट। ठीक है, सेंटर लाइन जो है रनवे की, उसकी सेंटर लाइन की जो लाइटिंग है। ठीक है, रनवे सेंटर लाइन लाइटिंग सिस्टम बोल सकते हो उसे। ये व्हाइट कलर में होती है, लेकिन रनवे के एंड में ये येलो कलर में बदल जाती है, इसको हम देखेंगे डिटेल में। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो दिख रही है आपको, ये टच डाउन जोन है। ये देखिए एरो भी दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ये लाइटिंग जो है टच डाउन जोन की लाइटिंग, इसका कलर अलग होता है। उसके बाद ये साइड में देखिए पीएपीआई लाइट होती है, पापी लाइट भी बोलते हैं इसे। ठीक है, इसका मीनिंग प्रिसिशन अप्रोच पाथ इंडिकेटर लाइट्स होती है ये। इसका हम देखेंगे क्या ये पायलट को लो विजिबिलिटी जब है तब ये लाइट्स काफी काम आती है। ठीक है, तो ये, और फिर इसके बाद देखिए रनवे के एजेस पे लाइटिंग होती है, रनवे एज लाइट होते हैं ये, व्हाइट कलर में होते हैं ये, रनवे की बाउंड्रीज बताने के लिए। ठीक है, तो ये हम इस चीज को डिटेल में देखेंगे, एक एक लाइट को, एक एक पॉइंट को हम डिटेल में देखेंगे, जस्ट आपको एक इमेज बताने के लिए। ठीक है ना, देखिए जो रनवे है वो इतना मतलब एक अम्यूजमेंट पार्क की तरह लगता है रात में। ठीक है, वहां पे इतनी सारी लाइटिंग्स अरेंजमेंट होते हैं, हर लाइट का अलग अलग मीनिंग होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले जैसे मैंने बोला था कि सबसे पहले जो हमने लिस्ट देखे थे एलिमेंट्स ऑफ एयरपोर्ट में, तो एयरपोर्ट बीकन से स्टार्ट करेंगे। सी व्हाट इज एयरपोर्ट बीकन और व्हाट इज बीकन। सी बीकन, अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट यूज टू इंडिकेट एनी जियोग्राफिकल लोकेशन सिचुएटेड स्लाइटली अबाउ द हॉरिजॉन्टल रोटेटेड टू प्रोड्यूस फ्लैशिंग लाइट टू एन ऑब्जर्वर। एक तरह की ये फ्लैशिंग लाइट इंडिकेट करता है जो कि ऑब्जर्वर को दिखती है, फ्लैश होती है लाइट। ठीक है, इट गिव्स आउट व्हाइट एंड ग्रीन फ्लैशेस इन द हॉरिजॉन्टल डिरेक्शन 180 डिग्री अपार्ट। ठीक है ना, 180 डिग्री के हॉरिजॉन्टली 180 डिग्री पे रोटेट करता है, व्हाइट और ग्रीन कलर के फ्लैश होते हैं इसके। ठीक है, फ्लैशेस आर विजिबल फॉर द पायलट फ्रॉम एनी डायरेक्शन ऑफ अप्रोच एंड इट इंडिकेट्स द अप्रोक्सीमेट सिचुएशन ऑफ एन एयरपोर्ट इक्विप्ड विद नाइट ऑपरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट काम बीकन का क्या है कि वो एयरपोर्ट की लोकेशन बताता है, और 180 डिग्री में रोटेट होता है तो इसका मतलब क्या है कि कहीं से भी प्लेन का कोई भी डायरेक्शन से आ रहा हो, उसको ये दिख जाता है पायलट को कि एयरपोर्ट कहाँ पे सिचुएटेड है। एयरपोर्ट बीकन का मतलब वो एयरपोर्ट की लोकेशन को इंडिकेट करता है। ठीक है, एयरपोर्ट की लोकेशन को इंडिकेट करता है एयरपोर्ट बीकन। अभी आप इसकी इमेज देखोगे तो समझ जाएगा। रोटेट एट 6 रेवोल्यूशन पर मिनट माउंटेड एट टॉप ऑफ टर्मिनल बिल्डिंग और हैंगर। अब यहाँ पे समझिए, जो एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग है, जो मेन बिल्डिंग होती है जहाँ पे आप टिकट्स वगैरह लेते हो, कस्टम ऑपरेशन होते हैं, या तो उसके ऊपर होता है ये हैंगर, हैंगर मतलब जहाँ पे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस वगैरह के लिए रखे जाते हैं वहां पर। ठीक है, या तो उसके ऊपर होता है। ठीक है, देख लेते हैं एयरपोर्ट बीकन है क्या एक्चुअली में। द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट कलर्स फ्रॉम एयरपोर्ट बीकन इंडिकेट द टाइप ऑफ एयरपोर्ट। अब इसमें ये जो मैं आपको पहले एक इमेज ही दिखा देता हूँ इसकी, इस तरीके से होता है एयरपोर्ट बीकन। ठीक है, ये देखिए ग्रीन और व्हाइट फ्लैश। ठीक है, ये 180 डिग्री में रोटेट करता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक इमेज इसलिए बता दिया ताकि आप पहले इसको इमेजिन कर लो कैसा दिखता है। ठीक है, अब समझ गया होगा एयरपोर्ट बीकन क्या है, तो अब हम इसको और अच्छे से डिटेल में देखेंगे। ठीक है, स्ट्रांग बीम ऑफ लाइट से 180 डिग्री पे रोटेट करता है। कौन कौन से कलर है, व्हाइट ग्रीन
फ्लैश करता है। कहाँ पे रखा जाता है? टर्मिनल बिल्डिंग के ऊपर, या इसका एक अलग से टावर भी होता है। फ्लैशेज आर विजिबल टू फॉर द पायलट फ्रॉम एनी डायरेक्शन, क्योंकि 180 डिग्री पे रोटेट होता है तो कहीं से भी पायलट को दिख जाता है। अब हम कॉम्बिनेशन कलर जो वो फ्लैश करता है उसका क्या मीनिंग है वो देखते हैं, क्योंकि इसमें देखिए लिखा है द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट कलर्स फ्रॉम द एयर फ्रॉम एन एयरपोर्ट बीकन इंडिकेट्स अ टाइप ऑफ एयरपोर्ट। कौन से कलर का फ्लैश कर रहा है उससे आप एयरपोर्ट का टाइप का अंदाजा लगा सकते हो। ओके, फ्लैशिंग व्हाइट एंड ग्रीन फॉर सिविलियन एयरपोर्ट। अब देखिए व्हाइट और ग्रीन जो कि नॉर्मल एयरपोर्ट है, सिविलियन एयरपोर्ट है जहाँ पे हम लोग जिस एयरपोर्ट से ट्रैवल करते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे व्हाइट और ग्रीन कलर होता है। फ्लैशिंग व्हाइट एंड येलो फॉर अ वाटर एयरपोर्ट, ठीक है ना, व्हाइट और येलो है मतलब वो वाटर एयरपोर्ट है, ठीक है ना। उसके बाद फ्लैशिंग व्हाइट येलो ग्रीन फॉर अ हेलीपोर्ट, अगर हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपोर्ट, ठीक है। टू क्विक व्हाइट फ्लैशेज अल्टरनेट विद ग्रीन फ्लैश आइडेंटिफाइंग अ मिलिट्री एयरपोर्ट। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, दो बार व्हाइट फ्लैश करेगा और अल्टरनेट में एक बार ग्रीन फ्लैश करेगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये मिलिट्री एयरपोर्ट है, सिविलियंस के लिए नहीं। तो ये कलर के ऊपर भी एयरपोर्ट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पायलट के लिए आसानी होती है कि कौन सा सिविलियन एयरपोर्ट की जगह कहीं वो मिलिट्री एयरपोर्ट पे ना चला जाए, तो फ्लैश से वो अंदाजा लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड सफिशियंटली हाई टू क्लियर ऑल द ऑब्स्ट्रक्शन ऑन कंट्रोल टावर और ऑन द टॉप ऑफ अब 51 फीट ओपन स्टील टावर। जैसे मैंने आपको बताया ये टर्मिनल बिल्डिंग के ऊपर हो सकता है, कंट्रोल टावर के ऊपर हो सकता है, एक अच्छी हाइट के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो आसानी से विजिबल हो। टावर हाइट में वेरी फ्रॉम 20 फीट टू 90 फीट। टावर जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो 20 से 90 फीट के आसपास होता है। अब जो इसके अंदर दो बल्ब लगे हैं, ठीक है ना, दो बल्ब लगे हैं इसमें। इट कंसिस्ट ऑफ टू बल्ब्स, एक व्हाइट फ्लैश करता है, ग्रीन फ्लैश करता है सिविलियन एयरपोर्ट के लिए। तो ये जो दोनों बल्ब लगे हैं इसका जो पावर है वो 500 वॉट्स है, काफी पावरफुल लाइट्स है, 500 वॉट्स के बल्ब, ठीक है। तो ये एयरपोर्ट बीकन था, आई होप आपको एयरपोर्ट बीकन समझा है, बहुत सिंपल है, ठीक है, ठीक है ना। ये एयरपोर्ट बीकन है, व्हाइट ग्रीन फ्लैश करता है, व्हाइट येलो भी फ्लैश करता है, ठीक है ना, दोनों के अलग है। ये सिविलियन एयरपोर्ट को दर्शाता है कि अगर वो व्हाइट और ग्रीन फ्लैश कर रहा है तो वो सिविलियन एयरपोर्ट है, ठीक है। और व्हाइट एंड येलो जो था वो सी प्लेन्स वगैरह के लिए, ठीक है ना, वहां पे अगर लैंडिंग करना है सी प्लेन वगैरह, वहां पे व्हाइट एंड येलो यूज करते हैं, ठीक है। 500 वॉट्स के बल्ब है, दोनों साइड बल्ब होते हैं 500 वॉट्स के। ये टावर पे हो सकता है या कंट्रोल टावर पे हो सकता है, टर्मिनल बिल्डिंग पे भी लगा सकते हैं, लोकेशन हर एयरपोर्ट पे अब उनके हिसाब से वो लगा सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन एक 20 से 90 फीट की हाइट होना चाहिए इस टावर की, ताकि वो आसानी से विजिबल हो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम अप्रोच लाइटिंग। देखिए अभी हमने एयरपोर्ट बीकन देखे, सबसे पहली लाइट एक पायलट को आइडेंटिफाई, जैसे कि आप इसको इमेजिन करो कि आप पायलट हो, आप एयरपोर्ट की तरफ आ रहे हो, सबसे पहले आपने क्या देखे, एयरपोर्ट बीकन देखे, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो गया कि एयरपोर्ट है कहाँ पे। एयरपोर्ट बीकन का मेन काम क्या है, इट प्रोवाइड्स अ लोकेशन ऑफ एयरपोर्ट, ठीक है ना, फ्लैश करता है लाइट तो एयरपोर्ट की लोकेशन। अब जब पायलट एयरपोर्ट के पास आएगा तो उसको दूसरी चीज एयरपोर्ट बीकन के बाद जो दिखेगी वो दिखेगी अप्रोच लाइटिंग। अप्रोच लाइटिंग उसको दिखेगी, यानी कि जो अप्रोच रनवे का है वो दिखेगा कि रनवे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसका अप्रोच कहाँ पर है, उससे अंदाजा लगाएगा कि रनवे की लोकेशन क्या है। अब अप्रोच लाइटिंग देखिए कहाँ से होती है, मैं आपको पहले इसकी एक इमेज ही दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ जाए कि अप्रोच लाइटिंग क्या होती है। इस इमेज को हम दोबारा देखते हैं। देखिए अब आप सबसे समझिए कि ये पायलट को ये दिख रहा है, पहले एयरपोर्ट बीकन की वजह से उसने एयरपोर्ट की लोकेशन देख लिया, अब ये रनवे पे उसको लैंड करना है, तो सबसे पहले उसको दिखेगी अप्रोच लाइट। ये देखिए रनवे शुरू होने के जो पहले लाइटिंग है उसे बोला जाता है अप्रोच लाइटिंग, है ना। अप्रोच आपको पता होगा किसी ब्रिज का अप्रोच, जो ब्रिज एक्चुअल स्टार्ट होने के पहले जो एक अप्रोच बनता है वहां तक पहुंचने के लिए जो रोड है, ठीक है ना, उसे बोला जाता है अप्रोच। उस पर्टिकुलर रोड पे पहुंचने के लिए जो उसका अप्रोच है, ठीक है ना, जो रोड है दैट इज कॉल्ड एज अप्रोच। तो उसको सबसे पहले दिखेगी ये देखिए अप्रोच लाइटिंग, इस तरीके से रनवे स्टार्ट होने के पहले जो लाइटिंग है
उसे बोला जाता है अप्रोच लाइटिंग। ठीक है, अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, बिफोर द रनवे बिगिन सीक्वेंस ऑफ हाई इंटेंसिटी लाइटिंग अरेंजमेंट फॉर अ लेंथ ऑफ 900 मीटर और 3000 फीट। जैसे ही रनवे स्टार्ट होने वाला है, सीक्वेंस में हाई इंटेंसिटी लाइट का अरेंजमेंट किया जाता है जिसकी लेंथ 900 मीटर्स होती है या फिर 3000 फीट, ऑलमोस्ट इक्वल है 900 मीटर और 3000 फीट। ठीक है, इतनी लेंथ पे रनवे से वो अप्रोच लाइट स्टार्ट होती है। जैसे कि इसको मैं एक बार इमेज के जरिए आपको बताता हूँ। ये देखिए, जैसे कि ये रनवे का थ्रेशोल्ड है, ये रनवे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से इसके एज से लेके यहाँ तक के अप्रोच लाइट रहेगी। ये अप्रोच लाइट की कितनी लेंथ है? 3000 फीट या फिर 900 मीटर। ठीक है ना, ये रनवे है, ये देखिए ये रनवे है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ठीक है ना, ये जो है ये रनवे है आपका। ठीक है, ये रनवे है, ये जो मैंने बॉक्स आपको दिख रहा है ये रनवे का स्ट्रिप है। रनवे के स्ट्रिप से लेके उसके एंड तक के, एक रनवे के स्ट्रिप से 3000 फीट तक के लाइट अरेंजमेंट होता है। ये जो जोन है ये अप्रोच जोन है। ठीक है ना, प्लेन ये इस डायरेक्शन से एंट्री करेगा। ठीक है ना, प्लेन इस डायरेक्शन से एंट्री करेगा, बिल्कुल अप्रोच के ऊपर से होते 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 वो लैंड करेगा। किस पे? रनवे पे लैंड करेगा। ठीक है, इस तरीके से लैंड करेगा। तो डिस्टेंस कितना है रनवे के थ्रेशोल्ड से? 3000 फीट। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे, 3000 फीट का उसका लेंथ है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो अप्रोच लाइटिंग है, ये जो लाइटिंग दिख रही है आपको, ये कैसी अरेंजमेंट है, कलर क्या है इसका, ये सारी चीजें अब हम देखते हैं। देखिए, यहाँ आपको पता चल गया कि कितनी लेंथ का होता है, 900 मीटर से 3000 फीट के आसपास होता है। हेल्प्स पायलट टू चेक इफ द एयरक्राफ्ट इज सेंटर्ड करेक्टली और नॉट। अब अप्रोच पायलट, जो अप्रोच लाइट है वो पायलट को हेल्प करती है ताकि आप रनवे के सेंटर पे एयरक्राफ्ट को अलाइन करें। ठीक है, रनवे के सेंटर पे अलाइन कर रहे। जैसे कि आप फिर से इसको देखोगे, ये जो एक सेंटर लाइन जा रही है, देखिए ये जो सेंटर लाइन जा रही है, ठीक है ना, इसकी मदद से, ये अप्रोच की जो सेंटर लाइन है इसकी मदद से वो अलाइन करता है प्रॉपर एयरक्राफ्ट को ताकि वो रनवे की सेंटर लाइन से मैच हो जाए। ठीक है, उसके बाद गिव्स वे टू टच डाउन जोन लाइट्स फ्रॉम थ्रेशोल्ड ऑफ द रनवे। ठीक है ना, टच डाउन जोन तक के ये थ्रेशोल्ड से लाइट को लेके जाता है, आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन देता है कि टच डाउन जोन कहाँ पर है, थ्रेशोल्ड और रनवे का कहाँ पर है, ये अप्रोच लाइट की मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नॉर्मली माउंटेड ऑन अ पेडेस्टल वेरिंग हाइट्स टू अकोमोडेट एनी इररेगुलरिटीज इन ग्राउंड एंश्योरिंग द लाइट देमसेल्व्स आर इन लेवल। इसका सिंपल मीनिंग बताता हूँ आपको। जैसे कि ये लाइट की जो ग्राउंड से हाइट है वो एक पेडिस्टल के ऊपर रखी जाती है ताकि एक प्रॉपर एलिवेशन मिले उस लाइट्स को। ऐसा नहीं कि एकदम ग्राउंड के नीचे हम इसको ग्राउंड पे रखते नहीं है, ऐसा नहीं, एक एलिवेटेड हाइट पे इसको हम रखते हैं, एक पेडिस्टल पे इसको रखते हैं। ठीक है ना, सपोर्ट स्ट्रक्चर्स आर अवेलेबल इन 6 फीट टू 128 फीट हाइट्स टू प्रोवाइड अ हाई इंटेंसिटी गाइडेंस सिस्टम। इसका मतलब ये है कि 6 फीट से 128 फीट का एलिवेशन होता है। जैसे कि इसका सिंपल बताओ, ये देखो ऐसा, ये जो लाइट्स है ये अप्रोच लाइट्स है, ये देखो ये अप्रोच लाइट्स है, तो ये इतने हाइट पे भी हो सकते हैं, ये देखो ये अप्रोच लाइट इतनी हाइट पे भी हो सकती है या इतनी हाइट पे भी हो सकती है, डिपेंड करती है एयरपोर्ट की लोकेशन, कितने हाइट पे एयरपोर्ट है, विजिबिलिटी कंडीशन क्या है, इन सारी चीजों के ऊपर ये सब डिपेंड करता है। तो ये इतना एलिवेटेड भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा है 6 फीट टू 128 फीट की हाइट हो सकती है। ठीक है, वेरिएबल हो सकती है, तो ये एलिवेटेड इस पे भी होता है और इतना हाइट का भी हो सकता है। ठीक है, ये अप्रोच लाइटिंग आपको दिख रही है। ठीक है, अब अप्रोच लाइटिंग तो आपको समझ गया कि अप्रोच लाइटिंग क्या होती है। अब हम देखते हैं कि अप्रोच लाइटिंग दो तरह की होती है, एक कैलवर्ट सिस्टम, ठीक है ना, और दूसरा है ICAO सिस्टम। ठीक है, पहला है कैलवर्ट, दूसरा है ICAO सिस्टम। ठीक है, और ICAO का मतलब इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। ठीक है ना, तो ये दो सिस्टम के हिसाब से अलग अलग अरेंजमेंट सिर्फ चेंज होता है उनका अप्रोच लाइटिंग का। कैलवर्ट के हिसाब से लाइटिंग अलग अलग जगह पे रखी जाती है, ICAO के हिसाब से लाइटिंग का अलग अरेंजमेंट होता है। ये सिर्फ अप्रोच लाइटिंग की बात कर रहे हैं।
सबसे पहले हम देखेंगे कि कैलवर्ट सिस्टम में अप्रोच लाइट को किस तरीके से किस पोजीशन में रखा जाता है। देखिए सबसे पहले ये जो कैलवर्ट सिस्टम है ये यूरोप में ज्यादा यूज होता है, वाइडली यूज्ड इन यूरोप एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो भी है वहां पे ये यूज किया जाता है। उसके बाद ये जो डेवलप किया था ये सिस्टम को, दैट वाज डेवलप्ड बाय ईएस कैलवर्ट इन ग्रेट ब्रिटेन। इन दिस देयर आर सिक्स ट्रांसवर्स रोज ऑफ लाइट्स ऑफ वेरिएबल लेंथ प्लेस। यहाँ पे छह जो है वो सिक्स ट्रांसवर्स रोज है लाइट्स की, ठीक है, इस सिस्टम में याद रखिए। इन दिस द रोल गाइडेंस इज प्रिंसिपली प्रोवाइडेड बाय द ट्रांसवर्स रोज ऑफ लाइट। जो गाइडेंस जो पायलट को प्रिंसिपली जो मतलब मेन जो हेल्प मिलती है वो ट्रांसवर्स रो से मिलती है इसमें, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं दो चीजें इसमें याद रखने वाली बात है, दैट इज इट हैज सिक्स ट्रांसवर्स रोज ऑफ लाइट्स ऑफ वेरिएबल लेंथ एंड द नेक्स्ट इज द रोल गाइडेंस इज प्रोवाइडेड बाय द ट्रांसवर्स रोज। ओके सो इस डायग्राम से आपको कैलवर्ट सिस्टम पूरी तरीके से समझ जाएगा। अब देखिए मैं सिंपल आपको समझाता हूँ, जैसे ये इमेज को मैंने पहले ही बताया था, ये रनवे है, ठीक है ना, जो रनवे मैंने इसको मार्क किया था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी। ये देखिए ये रनवे, रनवे का थ्रेशोल्ड है, यहाँ से रनवे स्टार्ट हो रहा है, ये जो बॉक्स दिख रहा है रनवे का स्ट्रिप है, यहाँ से 3000 फीट तक के अप्रोच लाइट है। अब कैलवर्ट सिस्टम में क्या बोला उसने कि सिक्स रोज है, तो ये देखिए ये 4, 1, 2, 3, 4, 5 एंड दिस इज 6, ये 6 रोज दिख रही है आपको, ठीक है ना, क्रॉस बार से 6 रोज है इसमें, ठीक है ना। और ये जो प्लेसमेंट है इसका देखिए 500 फीट पे होता है, एक का जो डिस्टेंस दोनों का है वो 500 फीट का है यहाँ पे आपस में, ये जो रोज का। अब इसमें एक चीज ये देखिए कि हर एक इसमें 3-3 लाइट्स लगे हुए है ना, 3-3 लाइट्स लगे हुए, और ये जो लेंथ है लास्ट वाले में इसमें ज्यादा लाइट है थोड़ी सी, ठीक है, ताकि एक बाउंड्री पता चल जाए इसकी। तो देखिए यहाँ पे ये 500 500 इस तरीके से ये चलता है, 500 500 500 1500 2000 2500 एंड देन 3000, तो ये डिस्टेंस इस तरीके से डिवाइड किया है। एक लाइट से दूसरे लाइट का देखिए डिस्टेंस 100 फीट के आसपास होता है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक से दूसरे का जो डिस्टेंस है लाइट्स का सेंटर लाइन का वो 100 फीट के आसपास है, ठीक है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, एक एक सबसे पहले आप यहाँ पे देखो जैसे रनवे के इसके क्लोज आता है तो लाइट सिंगल दिख रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल जो लाइट अरेंजमेंट है ये जो सिंगल लाइन दिख रही है, फिर उसके बाद देखिए ये क्या हो जाता है, डबल डबल लाइट्स आते हैं, डबल डबल, फिर उसके बाद ट्रिपल ट्रिपल, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे ट्रिपल लाइट्स फॉर 2000 to 3000 फीट, रनवे से 2000 से 3000 फीट पे ट्रिपल लाइट्स होते हैं, डबल लाइट फॉर 1000 to 2000 फीट, फिर ये जो डबल लाइट जो लगी है ये 1000 से 2000 फीट तक, और जो सिंगल लाइट्स है ये जो सिंगल लाइट्स दिख रहे हैं, सिंगल लाइट्स इन द सेंटर लाइन टू इंडिकेट 1000 फीट और लेस फ्रॉम द थ्रेशोल्ड। तो ये पायलट को एक अंदाजा होता है कि रनवे नजदीक आ रहा है, कैसे अंदाजा लगाता है, ये जो लाइट्स है लॉन्गिट्यूड, ये जो ट्रांसवर्स रोज है ये कम होते जाती है लाइट्स, ठीक है ना, जैसे जैसे रनवे पास में आता है ये सिंगल लाइट्स हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये कैलवर्ट सिस्टम काम करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये देखिए इस तरीके से एक और आप इमेज के जरिए इसको देख सकते हो, हाँ देखिए रनवे का थ्रेशोल्ड है, ठीक है ना, डिस्टेंस अलग अलग है, देखिए किस तरीके से सिंगल था फिर डबल हुआ फिर ट्रिपल हुआ, ठीक है, ये क्रॉस बार्स है, 6 ट्रांसवर्स रोज थे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना, इस तरीके से ये ट्रांसवर्स रोज से जो हमने देखे अलग इमेज है इसकी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज ये देखिए अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से हो सकते हैं इसके, ये देखिए ये रनवे का, ये रनवे है एक्चुअल, ये जो है ये थ्रेशोल्ड लाइट्स है, ठीक है, ये अप्रोच लाइटिंग है पूरे, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये जो रेड है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लैंड नहीं कर सकते, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, यहाँ पे लैंड नहीं हो सकते। उसके बाद देखिए आप ये इमेज को देखिए यानी, ठीक है, इसमें आपको दिख रहा है ये जो है, ये रनवे की सेंटर लाइन है, ठीक है ना, ये रनवे का एज है, फिर इसके बाद ये जो लाइट है दैट इज थ्रेशोल्ड, यहाँ से रनवे स्टार्ट हो रहा है, और ये जो है ये अप्रोच लाइट है, ये आपको और अच्छे से अभी समझ जाएगा धीरे से, ये अप्रोच लाइट, ठीक है।
अब आगे देखते हैं। अब देखिए इतनी अच्छे से ये इमेज आपको समझ में आ जाएगा, ये देखो कितना आसानी से समझ में आ जाएगा। कैलवर्ट सिस्टम, ये थ्री 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 थ्री, फिर उसके बाद देखिए क्रॉस बार है, क्रॉस बार क्रॉस बार क्रॉस बार क्रॉस बार, और फिर यहाँ से रनवे स्टार्ट हो रहा है। ये जो ग्रीन में दिख रहा है ना, मैंने पहले ही बताया था ये थ्रेश होल्ड है। ग्रीन का मतलब है कि आप यहाँ पे लैंड कर सकते हो, थ्रेश होल्ड लाइट्स का है, इसको भी हम देखेंगे आगे। ग्रीन दिख रहा है, यहाँ से रनवे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। थ्रेश होल्ड यहाँ पे, ये जो टच डाउन जोन है, जो लाइट दिख रही है, ठीक है। इतनी आसानी से यहाँ पे, फिर ये अप्रोच लाइट्स है, कितना इमेज देखिए कितनी क्लियर है, आपको आसानी से समझ जाएगी ये इमेज हो या ये इमेज हो, ये कैलवर्ट सिस्टम होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट, ICAO सिस्टम, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसे सेंट्रल लाइन कॉन्फ़िगरेशन भी बोला जाता है। इन दिस देयर इज ओनली वन क्रॉस बार एट 300 मीटर और 1000 फीट फ्रॉम द थ्रेशोल्ड। इसमें सिर्फ एक ही क्रॉस बार होता है, उसमें लास्ट वाले में छह क्रॉस बार्स, छह ट्रांसवर्स रोज थी, इसमें एक ही होगा, ठीक है ना। इन दिस द रोलिंग गाइडेंस इज प्रोवाइडेड बाय द बार्स 4.2 मीटर लेंथ इन 4.2 मीटर इन लेंथ प्लेस्ड एट 30 मीटर सेंटर टू सेंटर ऑन द एक्सटेंडेड सेंटर लाइन ऑफ द रनवे एंड सिंगल क्रॉस बार 300 मीटर फ्रॉम द थ्रेशोल्ड। इसको आप डायग्राम के जरिए देखोगे तो आसानी से पूरा ये सेंटेंस समझ जाएगा। द 4.2 मीटर लॉन्ग बार्स कंसिस्ट ऑफ फाइव क्लोजली स्पेस्ड लाइट्स टू गिव द इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूस बार्स ऑफ लाइट, ठीक है। इसको मैं इमेज के जरिए आपको बताता हूँ। देखिए सिंपल, ये रनवे का थ्रेशोल्ड है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, ये प्री थ्रेशोल्ड के बोल के रेड कलर के लाइट्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से अप्रोच लाइट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही क्रॉस बार है, वो है ये वाला, इसमें ये व्हाइट वाला, जैसे उसने लिखा था कि इसमें एक ही क्रॉस बार है, बाकी सब एक सिंगल लाइन में आ जाते हैं, ठीक है। ये जो है, ये जो याले लाइट्स है, ठीक है ना, इसे रेड कलर के लाइट्स होते हैं, टर्मिनेटिंग बार लाइट्स होते हैं, ये 11 रेड लाइट्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, 11 रेड लाइट्स होते हैं। ये जो है, ये थ्रेशोल्ड लाइट्स है, ये ग्रीन कलर का होता है, अभी आपने देखे। एक्चुअल अप्रोच यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से सबसे पहले अप्रोच खत्म हो गया बोल के रेड लाइट्स होते हैं यहाँ पे, 11 रेड लाइट्स, फिर ये अप्रोच का लाइट्स चालू हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 300 मीटर पर एक क्रॉस बार होता है, ठीक है, 300 मीटर पर एक क्रॉस बार होता है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ये 28 सेंटर लाइन बार्स होते हैं व्हाइट कलर में, 28 बार्स होते हैं और एक क्रॉस बार होता है, बस सिंपल यही मीनिंग है। इसका स्पेसिंग कितना है, 30 मीटर सेंटर टू सेंटर, ये लाइट्स का डिस्टेंस 30 मीटर है सेंटर टू सेंटर, सिंपल एक ही क्रॉस बार होता है व्हाइट कलर का, ये होता है ICAO सिस्टम, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से दिखता है ICAO सिस्टम, ठीक है ना, एक ही क्रॉस बार होता है और एक सिंगल सिंगल लाइट्स होते हैं 30 मीटर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। और ये जो है, ये दिखाता है रेड कलर का जो लाइट होता है, ये इंडिकेट करता है कि अब अप्रोच खत्म हो गया है, और ये जो ग्रीन है इसका मतलब यहाँ से रनवे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम रनवे तरफ, सेम वही इमेजेस है, ये देखिए, ये आपको अंदाजा हो जाएगा, ये इमेज देखिए ICAO सिस्टम में, देखिए इस तरीके से सेंट्रल, इस तरीके से लाइट से एक क्रॉस बार है बस, फिर उसके बाद ये रन अप्रोच एंड हो गया, फिर उसके बाद ये ग्रीन का मतलब रनवे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सिंपल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट इज थ्रेशोल्ड लाइटिंग। अभी हमने अप्रोच लाइटिंग देख ली, नाउ थ्रेशोल्ड लाइटिंग, ये बहुत ही सिंपल है। थ्रेशोल्ड का सबसे पहले मीनिंग क्या था, याद करिए, थ्रेशोल्ड का मतलब था कि जहां से रनवे स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि अगर यहाँ पे मैं एक रनवे की स्ट्रिप बना दूं इस तरीके से, ये रनवे यहाँ से रनवे है, तो थ्रेशोल्ड मतलब रनवे का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जो लाइन हो गई, जहाँ से रनवे स्टार्ट हो रहा है, ये होता है रनवे के, या रनवे जहाँ पे खत्म हो रहा है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है या खत्म हो रहा है, ये हो गया, ये जो ग्रीन में दिख रहा है दैट इज थ्रेशोल्ड, रनवे का थ्रेशोल्ड बोलेंगे हम इसको, ठीक है। डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थ्रेशोल्ड लाइटिंग मतलब क्या है, जहां से रनवे स्टार्ट हो रहा है वहां पर लाइटिंग लगाना है। हमने मार्किंग में देखे थे, थ्रेशोल्ड मार्किंग थी, बहुत सारी लाइंस होती थी, अब उसी को लाइन को, लाइन की जगह अब हम यहाँ पे लाइटिंग लगा देंगे, और लाइटिंग किस डायरेक्शन में लगाएंगे वो भी देखते हैं।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेशोल्ड अ मेजर फैक्टर फॉर डिसीजन ऑफ द पायलट टू लैंड और नॉट टू लैंड। कहाँ से थ्रेशोल्ड रनवे की बाउंड्री है, रनवे की बाउंड्री पर लाइटिंग करना, रनवे की जो बाउंड्री है जैसे मैंने आपको बताया जहां से रनवे स्टार्ट हो रहा है, जस्ट रनवे स्टार्ट हो रहा है वहां पे लाइटिंग्स लगी होती है, उसे बोला जाता है थ्रेशोल्ड लाइटिंग। और ये बहुत ही मेजर फैक्टर है क्योंकि पायलट इसी से डिसीजन लेता है कि लैंड करना है या नहीं करना है। अगर उसे विजिबिलिटी खराब है लाइटिंग की तो लैंडिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। फॉर दिस रीजन द रीजन नियर द थ्रेशोल्ड इज गिवन विद अ स्पेशल लाइटिंग ट्रीटमेंट। ये जो जहां से रनवे स्टार्ट हो रहा है थ्रेशोल्ड रीजन में स्पेशल लाइट्स होते हैं। आपने देखा अप्रोच में भी अलग अलग तरीके से इंडिकेशन है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो जो डबल लाइट था वो सिंगल लाइट हो जाता है अप्रोच जब एंड हो रहा है, अलग अलग तरीके से इंडिकेशन होते हैं। एट लार्ज एयरपोर्ट थ्रेशोल्ड इज आइडेंटिफाइड बाय अ कंप्लीट लाइन ऑफ ग्रीन लाइट एक्सटेंडिंग अक्रॉस द एंटायर विड्थ ऑफ द रनवे। फुल जो विड्थ है उसको कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। प्रोट्रूड नॉट मोर देन 12 सेंटीमीटर अबाउट द सरफेस है, जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए सरफेस की, क्योंकि प्लेन जस्ट लैंड करने वाला है, ठीक है। तो ये थ्रेशोल्ड लाइटिंग है, अब हम इसको देखते हैं क्या होती है। At small airports, the threshold is identified by four lights on each side of the threshold. ठीक है, चार lights होते हैं इसमें, ठीक है ना, और small airport में चार lights होते हैं threshold, ठीक है ना। The threshold lights in the direction of landing are green. ये ध्यान से देखिए इसको, सुनिए। Threshold lights जो है वो जब landing करते वक्त वो green color में होते हैं, and in the opposite direction they are red to indicate the end of runway. और opposite side में रेड कलर में होता है, इसको मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर। एक्सटेंडिंग आउट ऑफ रनवे 2 to 2 feet के आसपास, ठीक है ना, 2 to 10 feet, ठीक है। ये देखो सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये रनवे है, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए आप, ये है, ये जो लाइन दिख रही है ये जो है मेन, ये है आपका थ्रेशोल्ड लाइटिंग। यहाँ से प्लेन इस डायरेक्शन में आके लैंड करेगा, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी, इस तरीके से लैंड करेगा। अब ये दोनों लाइट को ध्यान से देखिए, फुल विड्थ रनवे की कवर किया है इसने, ये है आपका एक्चुअल, बॉक्स में बना देता हूँ, ये जो बॉक्स में आपको लाइटिंग मैंने बनाया ये है आपका एक्चुअल थ्रेशोल्ड लाइटिंग। ये बाउंड्री पे है रनवे के, रनवे यहां से स्टार्ट हो रहा है। इसमें लाइट में दो कलर होते हैं, एक रेड कलर होता है और एक ग्रीन कलर होता है। जब लैंड करने वाला हो इस डायरेक्शन में, देखिए ये जो मैंने डायरेक्शन बनाया, अगर इस डायरेक्शन से अगर प्लेन लैंड कर रहा है तो उसको ग्रीन दिखना चाहिए, ठीक है ना, उसको ग्रीन दिखना चाहिए। तो ये क्या करेगा, आसानी से यहाँ पे लैंड कर जाएगा, ये थ्रेशोल्ड इसमें क्लियर हो जाएगा। अब अगर हम इस डायरेक्शन से जा रहे हैं तो इस डायरेक्शन से अगर आप प्लेन से, प्लेन अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसको रेड दिखेगा कि ये बाउंड्री यहाँ पे खत्म हो रही है रनवे, ठीक है। सिंपल समझ गए आप थ्रेशोल्ड का मतलब, रेड कब दिखेगा, रेड जब इस डायरेक्शन में मूव करेगा प्लेन तो उसे दिखेगा कि रेड है, मतलब ये रनवे की बाउंड्री है। और जब ऊपर से आ रहा है एयरक्राफ्ट और इस डायरेक्शन में आ रहा है ऊपर से, तो उसको एक ग्रीन दिखेगा ताकि उसको इंडिकेशन हो जाए कि रनवे इज अवेलेबल फॉर लैंडिंग, ठीक है। ये होता है थ्रेशोल्ड मार्किंग, आई होप आपको ये समझ आया, बहुत सिंपल, ठीक है। थ्रेशोल्ड मार्किंग समझ गया, अब आगे देखते हैं। देखो ये एक लाइव इमेज, मतलब एक रियल इमेज है, इसमें देखो ये जो दिख रहा है ये लाइट्स दिख रही है ना, इसको मैं फिर से मार्क कर देता हूँ। देखो मैं एरो दिखा देता हूँ इसमें, ये जो एरो दिख रही है देखो ग्रीन लाइट्स दिख रही है, ग्रीन दिख रहा है ना, उस डायरेक्शन से आने वाले को ये रेड दिखेगा। अपोजिट डायरेक्शन से अगर एयरक्राफ्ट आ रहा है तो उसे ये लाइट्स रेड दिखेगी, लेकिन अगर हम यहाँ पे लैंड करने वाले हैं अभी तो ये लाइट्स जो है वो ये थ्रेशहोल्ड लाइट्स बोलते हैं इसको। ये ग्रीन और रेड दो कलर की, एक साइड ग्रीन लगा होता है एक साइड रेड होता है, ठीक है, ये होता है ग्रीन कलर में। तो यहाँ से जब लैंड करने वाला हो तो ये ग्रीन कलर में दिखता है, ठीक है, ये ग्रीन कलर में दिखता है, ठीक है। तो ये एटीसी कंट्रोल करता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है ये पूरे लाइटिंग को कंट्रोल करता है। तो ये ग्रीन दिखा मतलब हम यहाँ पे लैंड कर सकते हैं, अभी हमने जो थ्रेशोल्ड देखे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो आप देखेंगे थ्रेशोल्ड लाइटिंग के बाद वो देखेंगे नॉर्मल लाइटिंग्स। जो अब हम रनवे की लाइटिंग्स को देखते हैं कि रनवे पे कौन कौन सी लाइटिंग होती है। सबसे पहले तो रनवे की एज लाइटिंग्स को देखते हैं, रनवे के जो एजेस है
वहां पे देखिए कौन कौन से कलर की लाइटिंग की जाती है। देखिए आप, ये देखिए इस डायग्राम, ये रनवे का एज है ना, ये देखिए ये रनवे के एजेस है, ये देखिए रनवे की बाउंड्री है, रनवे के एजेस है। यहाँ पे देखिए ये जो लाइटिंग्स होती है ये व्हाइट और येलो होती है। येलो का मतलब क्या है, लास्ट आप बोल सकते हो जब रनवे एकदम एंड पे आने वाला होता है तो ये येलो हो जाती है, और रनवे जब सेंटर में होगा, रनवे के एक मिड पे होंगे हम, तो ये व्हाइट कलर में होती है। ये रेड येलो भी एक इंडिकेट करता है कि रनवे अब खत्म होने वाला है, तो ये एज लाइट्स है। ठीक है, देखिए रनवे एज लाइट के बारे में देखते हैं। जनरली एलिवेटेड यूनिट्स प्रोजेक्ट 30 इंचेस अबाउट द सर्फेस, सर्फेस से 30 इंचेस ऊपर होता है। व्हाइट लाइट्स अलॉन्ग द एज ऑफ रनवे, अभी जो व्हाइट लाइट्स है इसका मतलब क्या है, नॉट मोर देन 10 फीट फ्रॉम द एज ऑफ द पेमेंट। ये जो है ये तकरीबन एज जो है पेमेंट का, इससे 10 फीट के आसपास होता है ये जो वाला जो डिस्टेंस हो गया, इस तरीके से जो डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना, ये रनवे का एज हो गया, इससे 30 इंच, ये 10 इंच के आसपास होता है, सॉरी। ठीक है, लाइट्स इन फाइनल 2000 फीट ऑफ रनवे आर येलो टू इंडिकेट कॉशन। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ से लेके, ठीक है ना, ये जो है रनवे के एज तक के, ये लाइन अगर हम इस तरीके से मार दे, ये येलो लाइट तक के, ये जो डिस्टेंस हो गया ये तकरीबन 2000 फीट का डिस्टेंस है, इसका मीनिंग ये है कि रनवे खत्म होने वाला है, तो ये कलर चेंज हो जाता है येलो में। लास्ट के जो 2000 फीट है रनवे के वो येलो कलर में होते हैं एज लाइट में, 2000 फीट जो एज लाइट। स्पेसिंग जो है वो लाइट्स की 200 फीट मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडिनल स्पेसिंग, यानी कि ये जो आपस में इनकी स्पेसिंग है ये 200 फीट के आसपास होती है। ठीक है, ये होता है एज लाइट। अब देखते हैं सेंटर लाइट या टच डाउन लाइट। सबसे पहले हम देखते हैं टच डाउन लाइट्स क्या होती है। ठीक है, उससे पहले हम सेंटर लाइन देख लेते हैं। सबसे पहले सेंटर लाइन देख लेते हैं, ये भी व्हाइट कलर में होती है, इसकी स्पेसिंग 50 फीट का इंटरवल होता है। ठीक है ना, ये जो ऑफसेट लिया था, अब देखिए एग्जैक्टली सेंटर पे क्यों नहीं इसको रखते हैं, क्योंकि एयरप्लेन का जो व्हील है वो एकदम सेंटर पे रहता है, तो इसका एक ऑफसेट होता है सेंटर लाइन का, वो 2 फीट होता है सेंटर लाइन से, एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं होगा, सेंटर लाइन से 2 फीट के बाजू में होगा। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, लास्ट के 3000 फीट में उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, लास्ट का जो 100 फीट है उसमें रेड कलर हो जाता है, और जो 2000 फीट है उसमें रेड और व्हाइट होता है। इसका मीनिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ, लास्ट के 1000 फीट में रेड इसलिए होता है ताकि वो इंडिकेट करे कि रनवे यहाँ पे अब एंड होने वाला है, और नेक्स्ट 2000 फीट में अल्टरनेट रेड और व्हाइट कलर का होता है, जस्ट एक इंडिकेशन करने के लिए कि आप अभी अपन कहाँ पर है, प्लेन कहाँ पर है। मैं आपको फिर से इसको इमेज के जरिए समझाता हूँ, ये सेंटर लाइन दिख रही है रनवे की। ठीक है, अब यहाँ पे देखो उसमें क्या लिखा है, देखिए ये जो मीनिंग है इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूँ, ऑफसेट 2 फीट फ्रॉम द रनवे सेंटर लाइन। ये जो है ना रनवे के एकदम एग्जैक्ट सेंटर लाइन पे इसलिए प्रोवाइड नहीं करते क्योंकि व्हील इस पे आएगा एयरक्राफ्ट का। ठीक है, ये थोड़ा सा बाजू में 2 फीट के आसपास इसको ऑफसेट लेके सेंटर लाइन मार्क करते हैं, बहुत एकदम सेंटर पे ही होता है एग्जैक्टली वो भी। अब ये देखिए इसका कलर क्या होता है, व्हाइट, लेकिन लास्ट के 1000 फीट, लास्ट के यहाँ से लेके अगर मैं इस तरीके से बना दू, ठीक है, ये यहाँ से लेके लास्ट के जो 1000 फीट है, ठीक है, लास्ट के 1000 फीट में ये सिर्फ रेड कलर होती है सेंटर लाइन में भी, क्योंकि आप याद होगा हमने एज में भी देखे कि येलो कलर हो जाता है आखिरी में, तो जैसे ही रनवे खत्म होने वाला है ये रेड कलर में हो जाते हैं, जस्ट एक इंडिकेशन के लिए कि रनवे खत्म होने वाला है, और 2000 फीट तक के रेड और व्हाइट होते हैं, जस्ट ये इसका मीनिंग। ठीक है, आई होप आपको सेंटर लाइन भी समझा है, रनवे की एकदम सेंटर लाइन में ये, ताकि पायलट को एयरक्राफ्ट को अलाइन करने में आसानी हो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम टच डाउन लाइट्स क्या होती है। टच डाउन जोन आपको पता है, जहां पे एयरक्राफ्ट एक्चुअली में टच करेगा रनवे को, वो होती है टच डाउन जोन। ठीक है, लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ रनवे, बिल्कुल दोनों साइड में होगा रनवे की सेंटर लाइन के। एक्सटेंडेड 3000 फीट फ्रॉम द रनवे थ्रेशोल्ड और 1/2 ऑफ द रनवे लेंथ फॉर रनवेज लेस देन 6000 फीट। अगर 6000 फीट से कम लेंथ है रनवे की तो आधी लेंथ पे टच डाउन जोन होगा, और जनरली 3000 फीट फ्रॉम द रनवे थ्रेशोल्ड स्पेस दैट 100 फीट इंटरवल, 36 फीट फ्रॉम द रनवे सेंटर लाइन ऑन ईच साइड।
इसका भी मीनिंग मैं आपको सिंपल बताता हूँ। ये देखिए, ये 3000 फीट रनवे के थ्रेशोल्ड से 3000 फीट का डिस्टेंस है, ये टच डाउन जोन है। इसमें क्या होता है, सेंट्रल लाइन से तीन तीन, इधर साइड भी दोनों साइड में सेंट्रल लाइन के लाइटिंग अरेंजमेंट होता है, तीन तीन लाइट दोनों साइड में मिनिमम होते हैं, ठीक है, इस तरीके से अरेंजमेंट है। ये टच डाउन जोन है, यहाँ पे प्लेन को टच, प्लेन जो है वो टच करेगा रनवे को, ठीक है, जब वो इस तरीके से लैंड कर, यहाँ पे लैंड करेगा तो इस जोन से टच करेगा, ठीक है। और इसमें हमने और देख लेते क्या था, ठीक है, स्पेसिंग जो है वो 100 फीट इंटरवल का है, 36 फीट फ्रॉम द रनवे सेंटर लाइन, ठीक है, ये जो 36 फीट फ्रॉम द रनवे सेंटर लाइन ही प्रोवाइड की जाती है, ये पूरा टच डाउन जोन है, इसको भी व्हाइट कलर से इंडिकेट करते हैं सेंटर लाइन के दोनों साइड। लास्ट टाइम मैंने बताया था टच डाउन जोन का मतलब जहाँ पे एयरप्लेन टच करेगा रनवे को लैंड करते वक्त या टेक ऑफ करते वक्त, जब वो टेक ऑफ करना स्टार्ट करेगा यहाँ से, ठीक है, इसके पहले से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं टच डाउन के बाद। ये देखिए टच डाउन जोन, ये देखिए यहाँ पे रनवे का थ्रेशोल्ड है, ये देखिए टच डाउन जोन है, यहाँ पे प्लेन लैंड करेगा, ठीक है, ये टच डाउन जोन है। देखिए अभी कितनी आसानी से आपको क्लियर हो रहा है, देखिए 1000 फीट के लिए देखिए सेंटर लाइन रेड हो गई यहाँ पे, ठीक है, और ये देखिए 3000 फीट तक के टच डाउन जोन है, ये प्लेन यहाँ से इस डायरेक्शन से आएगा, इस डायरेक्शन से आएगा और यहाँ पे टच करेगा बिल्कुल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज टच डाउन जोन। नेक्स्ट इज PAPI लाइटिंग, इसे पापी लाइटिंग में बोला जाता है, प्रेसिशन अप्रोच पाथ इंडिकेटर लाइट। ये जो लाइटिंग्स है ये हर एयरपोर्ट में होती है, ठीक है, हर एयरपोर्ट में ही होती है। इसका भी काम क्या है कि पायलट को गाइड करे, ठीक है ना, PAPI लाइटिंग बोलते हैं इसको, प्रेसिशन अप्रोच पाथ इंडिकेटर प्रोवाइड्स गाइडेंस टू द पायलट टू बी विजुअली अलाइंड विद द रनवे एट अ प्रॉपर ग्लाइड स्लोप ऑफ सेफ लैंडिंग। इसका मैं सिंपल बताता हूँ, ये PAPI लाइट है, दिख रहा है आपको एरो, ये दो रेड और दो व्हाइट होता है, ये एक स्लोप बनाते हैं, ध्यान से देखिए सुनिए, ये जो है रनवे के जस्ट बाजू में और एक स्लोप बनाते हैं, ये ग्लाइड पाथ प्रोवाइड करते हैं, ग्लाइड स्लोप, ताकि पायलट को आसानी हो रनवे को प्रॉपरली अलाइन करने में कि हम क्या प्रॉपर डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये जो इसका एंगल जो लाइट का सेट होता है उसी एंगल से प्लेन जो है वो लैंड करेगा, ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉपर एंगल पे ये लाइट्स का अरेंजमेंट होता है। ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं जब विजिबिलिटी बहुत कम हो, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम जब हमने पढ़े थे स्टार्टिंग में, उसमें क्या होता है कि विजिबिलिटी जब लो हो, दिखने में जब प्रॉपर विजन ना हो, ठीक है, विजुअली पायलट जो है वो देख नहीं पा रहा है कोई चीजें, तो PAPI लाइट की मदद से एक प्रॉपर स्लोप पे वो लैंड करवा सकता है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं, uses lights units installed in a single row on either side of runway, या तो वो इस एक साइड में होगा या दूसरे साइड में होगा, place 300 feet beyond the runway threshold, ये रनवे का जो threshold है यहाँ से 300 feet के आसपास, visible from about 5 mile during the day and up to 20 mile at the night, दिन में तकरीबन 5 मील से दिख जाता है लेकिन रात में तकरीबन 20 मील से वो नजर में आ जाता है, लाइट्स फ्लैशिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग बीम होती है इसकी लाइट्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखिए इस तरीके से ग्लाइड, ये देखिए इस तरीके से इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे देखिए अगर ये पूरे व्हाइट है तो मतलब ये टू हाई, ठीक है ना, एक रेड है मतलब स्लाइटली हाई है रनवे का एलिवेशन, ठीक है, अगर टू रेड टू ये व्हाइट है तो ऑन ग्लाइड पाथ, तीन रेड है मतलब स्लाइटली लो है, फोर रेड मतलब टू लो एलिवेशन की बात करें, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से लाइट से इस तरीके से बीम इंडिकेट करता है और जो प्लेन तक आता है, फिर उसके बाद प्लेन प्रॉपरली इस लाइटिंग की मदद से यहाँ पे लैंड कर जाता है, ठीक है, दैट इज PAPI लाइट। उसके बाद देखते हैं हम टैक्सी वे लाइटिंग, हमने रनवे की लाइटिंग्स पूरे देख लिया, अब हम देखते हैं कि टैक्सी वे लाइटिंग क्या होती है, ठीक है ना। टैक्सी वे आपको पता ही था जो कि कनेक्ट करता है रनवे को पार्किंग जोन से, कल ही हमने देखे थे, बार बार हमने टैक्सी वे को पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इसमें भी क्या होता है, टैक्सी वे लाइट्स में एलिवेटेड बाई डायरेक्शनल लाइट्स होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं जनरली, स्पेस्ड
एट एन इंटरवल ऑफ 200 फीट ऑन ईच साइड ऑफ टैक्सीवे विद क्लोजर स्पेसिंग ऑन कर्व लोकेटेड नॉट मोर देन 10 फीट फ्रॉम द एज ऑफ द पेमेंट पेमेंट कैसे 10 फीट की दूरी पे होते एक्सटेंड अ मैक्सिमम ऑफ 30 इंचेस अबव द पेमेंट सरफेस। ठीक है, इसको मैं सिंपल आपको बताता हूँ। टैक्सीवे की एज लाइटिंग भी अलग है, टैक्सीवे की एज लाइटिंग की बात की जो हमने ब्लू कलर में होती है, और टैक्सीवे में सेंटर लाइन होती है जो कि देखिए उसके में टैक्सीवे सेंटर लाइट टर्मिनेट्स एट एंट्रेंस ऑफ रनवे एट टैक्सीवे इंटरसेक्शन द लाइट कंटिन्यूज अक्रॉस स्टीडी बर्निंग एमिट ग्रीन लाइट स्पेसिंग जिसकी 50 फीट होती है लाइट्स आर ऑफसेट 2 फीट फ्रॉम द रनवे सेंटर लाइन सेम 2 फीट की दूरी पर होते हैं ऑफसेट टैक्सीवे रनवे इंटरसेक्शन इन व्हिच प्लेन मस्ट होल्ड शॉर्ट ऑफ रनवे सेवरल येलो लाइट्स spaced at 5 feet interval are placed transversely across the taxiway. इसको मैं सिंपल आपको बताता हूँ एक इमेज के जरिए। सबसे पहले एज लाइटिंग देखो, मैक्सिमम 3 मीटर के डिस्टेंस पे एज लाइटिंग है। ठीक है, ये टैक्सीवे देखिए, ये टैक्सीवे देखो, ये इमेज में देखो, ये जो है ये टैक्सीवे है जो कि पार्किंग जोन को रनवे से कनेक्ट कर रहा है, तो ये टैक्सीवे हो गया। इसमें देखिए ग्रीन कलर के लाइट भी होते हैं, ठीक है, ग्रीन और येलो लाइट होते हैं इसमें। ग्रीन कलर का इंडिकेशन सेम कि आप यहाँ पे मूव कर सकते हो इस रनवे, इस टैक्सीवे पे आप प्लेन सपोज यहाँ पे लैंड हो गया तो वो इस डायरेक्शन में मुड़ के पार्किंग तक जा सकता है। ये ग्रीन लाइट सेंटर लाइन में है, ठीक है, ये एज लाइट्स है रनवे की, ब्लू कलर में होती है एज लाइट। ठीक है, एक और इमेज मैं आपको बता देता हूँ इसकी, ये देखिए इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे प्लेन को टर्न लेना है टैक्सीवे की तरफ तो वो इस तरीके से मुड़ जाएगा, और यहाँ पे जो सेंटर लाइन है वो ग्रीन और येलो कलर में होती है। ठीक है, ग्रीन और येलो कलर, ठीक है। उसके बाद कुछ नॉर्मल लाइटिंग्स है एप्रॉन और हैंगर में। ठीक है, इसको आपको एग्जाम में नहीं आएगा, बस याद रखना है कि एप्रॉन और हैंगर में भी लाइटिंग देखिए किस तरीके से होती है। देखिए ये एप्रॉन में जनरल एक लाइट जो नॉर्मल लाइट्स है वो है, ये देखिए हैंगर के अंदर का है, तरीके से लाइटिंग्स होते हैं इसमें ताकि विजिबल रहे रात में। ठीक है, उसके बाद बाउंड्री जो एयरफील्ड की जो बाउंड्रीज है वहाँ पे भी लाइटिंग्स होती है। ठीक है ना, जो एयरफील्ड का एक जोन है उसमें लाइटिंग रेड कलर की लाइटिंग्स होती है उसमें। ठीक है, उसके बाद विंड डायरेक्शन इंडिकेटर जो है वहाँ पे भी बल्ब लगे होते हैं। ठीक है ना, द विंड डायरेक्शन इंडिकेटर इज इल्यूमिनेटेड बाय 4 200 वॉट्स एंगल रिफ्लेक्टर प्लेस्ड एट 1.8 मीटर अबव ऑन द टॉप ऑफ द कोन फॉर प्रोवाइडिंग कंटिन्यूस लाइट एट एनी पोजिशन ऑफ द कोन। इतना इसको कन्फ्यूज होने की जरूरत है, मैं सिंपल आपको बताता हूँ ये होता है, इस तरीके से इसमें भी लाइट होते हैं। ठीक है, रात में ये विंड इंडिकेटर के लिए, ताकि दिन में तो रात में दिखेगा नहीं है, तो रात में इसके अंदर एक लाइट लगा देते हैं। कल हमने ये प्रीवियस लेक्चर में हमने देखे थे विंड इंडिकेटर क्या होते हैं। ठीक है ना, विंड का डायरेक्शन बता रहे, तो इस तरीके से ये इसके अंदर लाइट्स लगे होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा रनवे लाइटिंग के बारे में हमने देखे। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।